Hi guys, welcome to the social studies of class second, and this is your chapter number sixteen. That is directions, yani ki dishaen. By the end of this chapter, you will know what major directions are. कौन कौन सी major directions हैं? ये हमें पता लग जाएगा इस chapter के last तक. How we can find directions with the help of sun? और हम sun की help से कैसे directions को find कर सकते हैं? ये भी हमें इस chapter के last में पता लग जाएगा. So let's start the chapter. डायरेक्शंस। रॉबी वांटेड टू गो टू रूम। रॉबी तो, right. तो कहा कैसे जाना है रॉबी को स्ट्रेट जाना है देन उसको लेफ्ट टर्न लेना है देन उसको राइट right टर्न लेना है दर्ड लेफ्ट एंड राइट टेल अबाउट द डायरेक्शन तो जो लेफ्ट एंड राइट वर्ड है दे टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन तो लेफ्ट और राइट क्या होते हैं दीस आर द टू डायरेक्शंस द वर्ड अप एंड डाउन आल्सो टेल अबाउट द डायरेक्शन तो सिमिलरली जैसे लेफ्ट हैंड राइट होते हैं उसी तरीके से दो वर्ड और होते हैं दैट इज अप एंड डाउन दे आर आल्सो नोन एज द नेम ऑफ द डायरेक्शन द वर्ड्स लेफ्ट राइट अप एंड डाउन शो सिंपल डायरेक्शन तो ये जो अप डाउन लेफ्ट और राइट हैं दे आर नोन एज सिंपल डायरेक्शन द सन हेल्प अस टू फाइंड डायरेक्शन अब जो सन है वो हमें डायरेक्शन को फाइंड करने में हेल्प करता है रोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द राइजिंग सन तो जैसे रोहन जब जहां से भी सन राइज हो रहा है वी ऑल नो दैट सन राइज सनराइजेज फ्रॉम द ईस्ट तो आप अगर सन जहां से राइज हो रहा है उस जगह अगर आप फेस करके खड़े हो जाते हैं धैन क्या होता है सो uh, so, तो अगर आप जब जहां सन राइज हो रहा है उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं वी कॉल्ड में होता है अगर आप उसकी तरफ फेस करके खड़े हो जाएंगे तो आप किस डायरेक्शन में देख रहे हैं आप ईस्ट डायरेक्शन में देख रहे हैं तो जैसे रोहन ने अभी जब सन की तरफ आ, अपना फेस कर रखा है तो ही इज लुकिंग टुवर्ड्स द ईस्ट तो ईस्ट डायरेक्शन वो होता है जहां से सन राइज होता है बिहाइंड हिम इज द वेस्ट और क्योंकि ईस्ट उसके फेस जहां है वहां ईस्ट है तो ऑब्वियसली जो उसका बैक है उसकी पीठ जहां है वो कौन सा डायरेक्शन होगा वो उसका वेस्ट डायरेक्शन होगा द सन सेट इन द वेस्ट क्योंकि सन वेस्ट में सेट uh, होता है टू हिज राइट इज द साउथ टू हिज लेफ्ट इज द नॉर्थ और अगर वो देखेगा तो उसके राइट uh, right में है साउथ और लेफ्ट में है नॉर्थ तो बाय दिस वे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन जस्ट आपको क्या फाइंड करना होता है सन कहां से उग रहा है अगर आप उस तरफ फेस करके खड़े हो जाएंगे दैट इज योर ईस्ट आपके पीछे की तरफ हो जाएगा वेस्ट आपके राइट right की तरफ हो जाएगा साउथ और आपके लेफ्ट की तरफ हो जाएगा नॉर्थ तो बाय दिस वे आप चारों डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ आर द फोर मेन डायरेक्शन फोर मेन डायरेक्शन हम किसी प्लेस का अगर नक्शा बनाते हैं किसी पेपर के ऊपर तो दैट इज कॉल्ड एज मैप उसको हम मैप बोलते हैं ऑन अ मैप द टॉप साइड शो इज दिए जैसे जो आ, आप अगर इधर देखेंगे तो दिस, ये हमने इंडिया का नक्शा बनाया हुआ है तो जो आपने अगर पेपर पे इस तरीके का नक्शा देखते हैं इसको हम मैप बोलते हैं मैप में क्या होता है जो टॉप साइड है आपका जहां कश्मीर है उस साइड को हम क्या बोलेंगे दैट इज़ नॉर्थ साइड तो कश्मीर कहाँ है नॉर्थ ऑफ द इंडिया सिमिलरली साउथ है नीचे की साइड और ईस्ट है इस साइड जहां नेपाल भूटान बांग्लादेश दिस इज ईस्ट साइड एंड वेस्ट साइड है दिस इज अरेबियन सी जो ये साइड है दिस इज कॉल्ड द वेस्ट साइड और इसको पूरे को हम क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द मैप ओके सो ऑन अ मैप द टॉप साइड शोज द नॉर्थ द बॉटम साइड शोज द साउथ द राइट साइड शोज शोज द द द ईस्ट एंड लेफ्ट साइड वेस्ट शो बाय दिस वे दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर अब आप इसके क्वेश्चन आंसर फटाफट कर कर लीजिए एंड होप आप इजीली इसके क्वेश्चन आंसर सब कर पाएंगे इफ यू फील एनी प्रॉब्लम आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं वी विल डेफिनेटली हेल्प यू इवन आप आप चाहें तो आप और भी इन चीजों से रिलेटेड अगर कुछ पूछना चाहें तो डेफिनेटली वी हेल्प यू आप कमेंट कीजिए और आप पूछिए थैंक यू